गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुमेत। कैसे हैं आप लोग सब? थोड़ा सा बोलने में भी ना डर लगता है, और मैं जानती हूँ कि मैं एडिटिंग भी कैसे कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से एडिटिंग होती है, क्योंकि जब वॉइस ओवर करना होता है ना, तो उसमें तो मतलब एक मिनट देख लो, एक मिनट भी बिना खांसी के नहीं होता है। तो खैर, बहरहाल आज है 12th February और बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। क्या है, काफ़ी लोग समझ गए होंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आज है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आज मैं घर भी नहीं जा रही हूँ। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया कि आज मैं नहीं आऊँगी, आज हम देखेंगे बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, पूरा ही देखेंगे। तो बस स्टार्ट होने वाला है, 7 बजे से स्टार्ट है, अभी बज रहे हैं 6:30। तो अपने काम तो मैंने सारे कर लिए हैं और मैं तैयार देखने के लिए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आज वो जल्दी आ गए थे ना, तो खैर अभी तो बाहर कहीं गए, तो जब वो आ जाते हैं तो थोड़ा या मम्मी के पास जाती हूँ तब थोड़ा करती। वैसे खाली घर में ऐसे रहती हूँ तो नहीं करती इतना, तो वैसे भी इतना क्या, मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मेकअप करते हैं, सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, कोई बेस कुछ भी नहीं, सब ऐसी है। बल्कि कितने दिन होगा आईब्रोज भी नहीं बनी, आ जाओ, कितने दिन होगा मेरी आईब्रोज भी नहीं बनी है, आ जाओ। अरे आइए, हाँ ना, मैं मोमो के पास भी आ जाए करो, अस्सलाम वालेकुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे भूख लग रही है। ये नहीं बस भूख, ये छुट्टी वाले दिन इनका ये रहता है, क्या मंगा रहे हो, क्या खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। पोटैटो मंगा दो। चिली पोटैटो, चलो ठीक है, चिली पोटैटो मंगाते हैं, मैडम की फरमाइश भी पूरी करते हैं और थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, पापा देवा तो मैडम की फरमाइश भी पूरी कर देते हैं और थोड़ा सा स्नैक्स हो जाएगा। बेटा मैं बात कर रही हूँ, बंद करो, तो स्नैक्स भी हो जाएंगे। चलो फिर हम बुलाते हैं किसी को, चाचू से मंगवाना है ना, आप कह दो, मैं नहीं बुला सकती, मैं थक गई। अच्छी, ये मैडम थक गई हैं और हम तो थकते ही नहीं हैं, है ना, इनके लिए चीज़ियाँ भी हम मंगवाएं। वाह भाई वाह, ऐसे ही दादू से कुछ मंगाना होता तो कहते हैं मम्मी आप कह दो। मम्मा क्यों कह दे, सुनो ए पहले बताओ, मम्मा क्यों कहे, तुम कहो ना, तुम्हें खानी है ना, तुम कहो फिर। मैंने कह दिया आप कह दो, मैं थक गई। क्या किया है जो थक गई? अरे मैंने साइकिल चलाई। ओ, साइकिल चला के कौन थकता है? मैं थक गई, पैदल चलाने पड़ते हैं, थकते नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था, पैंडल चला चला के पैर थक जाते हैं। बेटिया आवाज़ आपको कम करनी पड़ेगी ना, अभी मामा बात कर रही है। आवाज़ करो तो और कम करो। चलो फिर इनके लिए कुछ मंगा लेते हैं और जब तक टाइम भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर बीच में आपसे मिलेंगे। और हाँ, पहले तो आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो कि कौन जीते। भाई मैं तो सबसे पहले निमृत को चाहती थी कि निमृत जीते, लेकिन अब वो निमृत आउट हो गई है, तो अब शिव और स्टैंड में से कोई भी जीत जाए दोनों में खुशी है बराबर, दोनों ही जीतने चाहिए, मतलब दोनों में से ही कोई एक ही होना चाहिए, मतलब मंडली जीतनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, क्योंकि मंडली जो है वो काफ़ी सच्चाई और हर चीज़ पे अडिग रही है, अडिग लोग हैं वो, तो मुझे अडिग लोग पसंद है। चलो फिर देखते हैं कि आज क्या होता है और बच्चों के लिए चीज़ मंगाते हैं, ठीक है। ये दिखाओ कितने पैसे, 10 रुपये बाबू जी। और ये पता है आयरा, एक मिनट आवाज़ सुन करो बेटा, आयरा आवाज़ सुन करो, और ये पता है क्यों लाई है, पता है बाबू जी क्यों लाई है? अच्छा आप बिजी हो, चलो कोई बात नहीं। ये पता है क्यों लाई है? ये लाते ही गुल्लक की तरफ हाथ कराए थे, वो निकाल उसमें डालूंगी। हाँ हाँ, बड़ा शौक है इन्हें भी पैसे जोड़ने का, रुक जाओ अभी दे रहे। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी मम्मा शूट कर रही है ना। अच्छा ये देखो आपके पिकी बैंक में डालना चाहती है ये। हाँ हाँ, आराम से आराम से, नोट फट जाएगा भाई, नोट फट जाएगा, रुको ऐसे नहीं, नोट फट जाएगा, मेरे पैसे तुम्हारे नहीं, नहीं पैसे तो इसी के हैं, रुको तो जाओ आप अंदर कर। हाँ अब आप डालो मम्मी, सारे पैसे मेरे इसके नहीं है। क्या मम्मी जी, सारे पैसे इसके नहीं है, मेरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कैसे कमाऊंगी फिर ये सारे पैसे? ओ कमाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना चोनू, कमाने की तो। ओ और अंदर करो, ओ इसे ये पता है, ऐसे हिला हिला के इसे अंदर कर देते हैं, करना इसे अंदर, ये देखो करो अंदर करो। ओहो ओहो, ये इतनी भारी गुल्लक है, इसको ऐसे हिला दो, ऐसे कर दो, अभी रुक जाओ बेटा। ओ ओ टूट ना जाए लिबू, ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी चुनू। हाँ हाँ ये टूट सकती है, ये ऐसे। अच्छा 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 अच्छा, इसका छोड़ने का बड़ा शौक आया है पैसे।
चिली पटेटो तो आ चुके हैं और ये बच्चे यहाँ पर एक्साइटेड हैं खाने के लिए। खाओ, खा लो। एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसे मैं उठा नहीं पा रही हूँ। आपको दे दूँ? खा लो। अच्छे, यम्मी, हैप्पी, खा लो। बिग बॉस चल रहा है तो चीज और यहाँ पर कपड़े बेचारे कब से रखे हुए हैं, अभी तक अलमारी में नहीं रखे। मैंने फ्री टाइम में तय कर लिए थे। ये मैडम होमवर्क छोड़ के और ये फिनाले देखने में लगी पड़ी है। तो मैं बोर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा अभी वक्त में तो मुझे पता ही नहीं इसका आंसर। अच्छा अच्छा, तो तुमने सोचा देख लो। तो बस फिनाले की मस्ती है। शानिल बिनोट आउट हो गया है, अब मैं जल्दी से आगे का देख लेती हूँ। तो जी बस अब मैं ले रही हूँ खाना, और खाना मैंने शॉर्टकट ही बनाया था। सब्जी मम्मी ने भिजवा दी थी, तो आज मैं रोटी में भी नहीं लगना चाहती क्योंकि मैं एक सीन मिस नहीं करना चाहती। तो वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं राइस बना लिए हैं। तो आलू बैंगन की सब्जी है, राइस है, बस वही कर रायता है। तो बस अब हम जल्दी से खा लेते हैं। वैसे भी रात के 10:30 बजे मैं खाना खा रही हूँ। और ये मैंने ये सारे सुखाती हूँ ना यहाँ पर, ये सब वो वहाँ पड़े हैं, दो वो यहाँ पड़े। और स्टिल बिग बॉस चल रहा है जो कि चलता ही रहेगा। खाली स्थान पेज नंबर 54 ही तो है, तो ये तो यही तो करना, यही वाला करना है, ये वाला। हाँ अच्छा, और मैं दिखाऊँ पापा क्या कर रहे हैं, बच्चों के पापा। हाँ हाँ, जल जाए। अच्छा, जग ना जाए बेचारे। क्या हो रहा है, ब्रश हो रहा है आधी रात को 11 बजे, रात को 11 बजे। और घर की हालत दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो, ये देखिए हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा ये घर है, ये घर है। ये तो खैर मैंने रखा है, उसमें उसका कोई वो नहीं, ये तो मैंने तय करके रख दिए हैं। तो ये खूबसूरत सा घर, ये इस सब इसकी बदौलत है। नहीं नहीं आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप करो, आप तो करो। मैं बुक में से काम देती है ना, इसलिए मुझे बुक की जरूरत। नहीं नहीं आप तो गुड गर्ल हो, आप तो पढ़ो। ये है खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। अल्लाह मुझे कैसे बहन दे देती, इतनी गंदी बहन है। तुम वो गंदी, वो तो नहीं है। चलो मैं बिग बॉस देख लूँ। भैया बिग बॉस निकला जा रहा है मेरा, तो सब हंस रहे हैं। फाइनल मोमेंट आ गया है। क्या नेल पॉलिश दे रहा है ब्लैक, चल नेचुरल न्यू। अच्छा अच्छा, चलो चलो बिग बॉस का आ रहा है, बिग बॉस देखने दो, फाइनल देखने दो। एंड द विनर बिग बॉस सीजन 16 गोस टू, इतने उठ गया स्लीव क्या है भाई, तेरा तो ऐसा है बाहर। हाँ बस बस बस, शांति 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 बेटा, 4 महीने की मम्मा की मेहनत का नतीजा। बैठ बैठ बैठ, 2 मिनट शांत, बस 2 मिनट यहीं बैठो सारे। बेटा चुप हो जाओ, तुम सारे चुप हो जाओ। And the winner of
कौन सा सीजन है ये? सोलवा, सोलवा सीजन है ना, इस एमसी। देखा बोलो ना तेरे जैकेट के लिए। बोलो ना अब रुको, निकल निकल ठीक है ना, कांप अब नहीं रहा ना, आराम पड़े done finally and the winner of season 16 Big Boss is अब नहीं चलेगा सर, गुदगुली हो रही मेरे को, लेकिन खो जाएगा तो उस हाथ से खो जाएगा, इस हाथ को नीचे नहीं लेके आएगा। कैसा लगता है विनर अपना? हाँ ऐसा लगता है, ट्रेन में खड़ा अपना विनर की बस 16 का विनर अपना ऐसे ही चलो, चांद 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 विनर ऑफ बिग बॉस 16 शिव ठाकरे को बनना था, एमसी स्टैन बन गया। ओह शिट, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी सही है, दोनों दोस्त हैं, एमसी बन गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों ने बड़ी मेहनत करी थी भाई। बट उम्मीद तो शिव की थी ना, मैं भी शिव के लिए ही वो कर रही थी। अब जरा इधर बैठ, ये थोड़ा चुपता है सर, सर में, सर सर में भारी है, लाए भारी वजन है, वजन है सर, आवाज अच्छा है, ठीक है, ये भी ठीक है सर, कड़क में धड़क हो गया, चलो ठीक है फिर मिलते सुबह है ना, ये मेरे साथ अभी तक जग रही है सारे छुटके छुटके, हाँ ये भी पूरी फैमिली के साथ सोते हैं, और देखिए 12:30 बज चुके हैं, अब हम चले सोने, गुड नाइट कर लो, गुड नाइट कर लो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। उसकी तबीयत ठीक नहीं है मेरे बेटू की।